अंजलि बंसल, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मिनी हॉल। ऑफलाइन मैंने कुछ शॉपिंग की है जो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ आज। तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, ऑलमोस्ट तीन चार ही प्रोडक्ट्स लिए हैं, कुछ ये प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो फर्स्ट मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ ये आईब्रो पेंसिल। और अगर आपको मेरा ये हॉल पसंद आता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सब्सक्राइब के साथ आप पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस से आप नोटिफाइड हो पाएँ। कुछ अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, कुछ स्किन केयर से रिलेटेड, कुछ purple.com का मैंने शॉपिंग की थी, नायका से शॉपिंग की थी, तो ये सारी शॉपिंग मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। और पर्पल पे अभी काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं तो आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपको बाय वन गेट वन फ्री भी मिल रहे हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। तो फर्स्ट आई एम शेयरिंग विथ यू ब्राउ पेंसिल, और फैशन कलर की ये ब्राउ पेंसिल है। 30 rupees की मुझे मिली थी। मेरा कलर है डार्क ब्राउन EB02। काफ़ी अच्छा है ये, ब्लैक थोड़ी डार्क रहती है। मेरी आईब्रो पे मैंने ट्राई की थी तो मैंने ये वाली ट्राई की है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज़ ये है ब्राउन कलर की बट लगाने पर ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर की है। मैंने अभी यही वाली लगा रखी है। देन इसके संग एक छोटा सा कोम आया, बट अनयूज कोम है बिकॉज़ इसके हेयर्स काफ़ी थिक है, तो आप चाहें तो अपने मस्करा से भी अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैंने ये ली थी, 30 rupees की मुझे मिली थी, काफ़ी अच्छी, मुझे अच्छी लगी है। देन इसके बाद मैंने एक चीज़ और ख़रीदी थी, दिस इज़ द स्विस ब्यूटी मेकअप लिपस्टिक, दिस इज़ द लिक्विड लिपस्टिक मैट लिप्स, और जो ये मैंने ली है 100 rupees की, और मेरा शेड है रूबी रेड, और इसका प्रोडक्ट, इसका जो शेड नंबर है वो S07 है। और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी बिकॉज़ कि इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है और ये शेड काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ऑरेंज टोन में है बट इसका नाम है रूबी रेड, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये ली थी सेकंड। इसके अलावा मैंने एक लिपस्टिक और ली है, ये है बुलेट लिपस्टिक और ये है NYN की, और वाइन लिपस्टिक है ये, और इस पर जो शेड लिखा हुआ है 119 लिखा हुआ है, और इस ये मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ इसमें एक अलग ही फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये थोड़ा डार्क शेड है, थोड़ा ब्राउनिश कलर में है और थोड़ा सा पर्पल टोन में है, तो मुझे पर्पल कलर भी बहुत पसंद है लिपस्टिक शेड में। मैंने एक और लिया है नायका से, तो ये है, और ये मुझे 50 rupees में मिली थी। इसकी पैकेजिंग ऐसी आती है, इसमें सेम आई थिंक एडियस की भी आती है लिक्विड लिपस्टिक, तो लिक्विड लिपस्टिक मैंने अभी तक इसकी तो ट्राई नहीं की है बट मैंने इसकी ही दूसरे शेड्स ट्राई किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें एक अलग सी फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही अच्छी है, मतलब आपको लगाने में इतनी कंफर्टेबल लगेगी, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ ये जो है एक मैट लुक देती है। मैंने L18 की ट्राई की थी, मैट मेंशन है उस पर बट वो मैट नहीं है, वो थोड़ी शाइनिंग है बट लॉन्ग लास्टिंग है, तो वो भी मैं आपके संग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी नायका का एक हॉल। सो अगर आपको वो वीडियो भी पसंद आता है तो आपको उसे भी सब्सक्राइब करना है और इसे भी सब्सक्राइब करना है। तो ये वाली एक लिपस्टिक है और 50 rupees की मुझे मिली थी। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ट्राई की थी, लैक्मे रोज़ पाउडर विथ सनस्क्रीन, और ये मुझे 160 rupees का मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैंने यही वाला लगा रखा है, और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी, ये पूरा फिलन है, और इसके संग ऐसा एक पफ भी मिला है, तो ये एक पफ मिला है, आप देख सकते हो ये गंदा हो रहा है बिकॉज मैंने अभी इसे यूज़ किया, और इससे पहले भी जिस दिन लिया था उस दिन भी एक बार ट्राई किया था, तो एक ये इसके संग मिला था। देन इसमें आपको यहाँ पर आपको 5 dots मिल जाएंगे, इस पर एक पेपर चिपका हुआ आया था जो कि मैंने यूज़ करने के लिए उसे निकाल दिया है, उस पेपर का इस पर शेप भी बना हुआ है, तो इस आप चाहें तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, ये ओपन हो जाता है, ये देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, और ये इसकी क्वांटिटी है, फिल इन है पूरा। और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसे इस तरीके से पुश करेंगे तो इसमें बाहर आ जाएगी पाउडर की क्वांटिटी, और आप इसे इस तरीके से टैप करके यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हो, तो 160 rupees में आपको ये बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली ये इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैं समर्स चल रहे हैं, और समर्स में लूज़ पाउडर मैंने ट्राई किया था,
कॉम्पैक्ट के बदले लूज़ पाउडर्स ट्राई किए थे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो वो मैंने पफ से ट्राई किया था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, एज अ बेकिंग मेथड बोलते हैं उसको। तो उसके लिए मैंने सोचा कि फेस का ही जो कॉम्पैक्ट आता है या पाउडर आता है लूज़ पाउडर, तो ये मैंने लिया, 160 रुपीज़ का मिला। ये जो है लैक्मे का 160 रुपीज़ का है और इसकी क्वांटिटी जो है 40 ग्राम्स की है। और इसके अलावा एक ब्लू हेवन का भी आता है 120 रुपीज़ का, अगर आपको ये छोटा पहले ट्राई करना चाह रहे हैं कॉम्पैक, आपको लूज़ पाउडर अगर आपको यूज़ नहीं करने आता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, लैक्मे के प्रोडक्ट यूज़ मतलब सूट हो जाते हैं मुझे। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप उसका पहले छोटा ट्रायल लें उसके बाद बड़ा लें, बिकॉज मुझे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम सूट होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन सूट नहीं होता है। इसके अलावा फेयर एंड लवली के कुछ प्रोडक्ट्स, फेयर एंड लवली का मुझे कुछ भी प्रोडक्ट सूट नहीं होता है, तो यह लिया था मैंने। इसके अलावा लास्ट चीज़ मैंने एक ली थी, ये स्ट्रिप, वैक्स स्ट्रिप बोल सकते हैं आप, ये स्मॉल वैक्स स्ट्रिप है जो कि आप अपनी अपर लिप्स, चिक्स और इधर के लिए यूज़ कर सकते हो कॉन्टरिंग साइड के लिए। तो ये इस तरह की स्ट्रिप है, मैंने अभी ये एक ही ली है बिकॉज मैं पहले ट्राई करूँगी कि ये मुझसे यूज़ हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर मुझे यूज़ करना नहीं आया तो वेस्ट हो जाएगी। और ये एक आई है 20 रुपीज़ के, इसका पूरा पैकेट भी आता है बट अभी मैंने पैकेट नहीं लिया है, तो ट्राई करने के लिए ली है। अगर कम्फर्टेबल लगती है तो मैं बिल्कुल इससे और पूरा पैकेट लूँगी, और यूज़ मे बी पॉसिबल अगर मैं इसे यूज़ करूँगी तो आपके संग बिल्कुल शेयर करूँगी, बट अगर देखते हैं मे बी पॉसिबल। तो ये मेरी लास्ट चीज़ थी, तो मैंने यही कुछ चीज़ें खरीदी है अपने डेली यूजेस के लिए, क्योंकि समर्स में कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे बहुत पसीना आता है नहाने के बाद, तो मैंने ये ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये ट्राई करना ही चाहिए एक बार, या आप चाहें बजट फ्री तो 120 रुपीज़ में भी जा सकते हैं, और आई थिंक दूसरे तो और कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय।